नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं लहसुन पर विशेष। जिनचे हैं देश की राजधानी दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में जानने की कोशिश करेंगे कि लहसुन की कीमतों में एक बार फिर से जो तेजी देखने को मिली है वो मोमेंटम क्या एक बार फिर से काबिज रहता है। क्या पिछले 10 दिन के अंदर में जो लहसुन का बाजार एक बार फिर से संभलता हुआ दिखाई दिया है क्या उसमें तेजी की रफ्तार आएगी। क्या एक बार फिर से लहसुन 300 रुपए का स्तर छू पाने में कामयाब होगा। इस सारी बातचीत पर हम निगाह बनाएंगे और साथ ही साथ देश के जाने माने जो लहसुन के जानकार हैं यानी कि जितेंद्र खुराना उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय पर लहसुन पर कारोबारियों की और किसानों की क्या राय रहनी चाहिए। तो हम पहुंच गए हैं लहसुन के जानकार और दिल्ली के लहसुन के थोक विक्रेता जितेंद्र खुराना जी के पास में उनके ठैया पर A287 पर। उनसे जान लेते हैं कि इस समय पर लहसुन का कारोबार क्या कहता है। हालांकि जब हम यहां पर आए हैं तो अराइवल्स जो हैं यहां पर कम दिखाई दे रही हैं और पूरा हम जो रास्ता तय करते हुए आए हैं वहाँ हमने ये देखा कि अराइवल्स लहसुन की कम है, पैकेट्स लोट यहाँ पर लहसुन का कम पड़ा हुआ है। बाजार क्या कहते हैं उस पर खुराना जी का क्या कहना है, रवैया क्या है, ये हम जान लेते हैं उनसे। जितेंद्र जी स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके ऑर्डर के मुताबिक मैंने अपने फोन दे दिया अपने आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है बातचीत कर रहे होते हैं तो माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। जानने की हमारी ये कोशिश है कि पिछले 10 दिन के अंतराल के अंदर में लहसुन के बाजार में क्या उठापटक देखने को मिली और अगले 10 दिन में क्या लगता है। जितेंद्र जी, 10 दिन पहले जब हमारी डिस्कशन हुई मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर बहुत सारी बातें सामने निकल करके आई, उस समय पर चाइना के लहसुन की भी बातचीत हुई, विदेशी एक्सपोर्ट की भी बातचीत हुई। 10 दिन के अंदर हमने देखा बाजार काफी टूटा, टूटने के बाद में फिर संभला भी, वापसी करने की बहुत जद्दोजहद कर रहा है और हम देख रहे हैं कि जो आपका देसी लहसुन है वो करीब करीब 10,000, 10,500, कभी कभी 12,000 रुपये भी हो जाता है और ऊटी लहसुन की अगर हम बात करें तो ऊटी लहसुन 11,000 रुपये से लेकर के 14,000 और कभी कभी 16,000 रुपये को भी छूता है। अब यहाँ से आपको बाजार किस दिशा की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, अगले 10 दिन का सबसे पहले आउटलुक क्या? देखिए, अभी जो मैंने पहले बोला था कि हमारे इंडिया में फसल भले 25% ज़्यादा लगी है लेकिन रकबा कम बैठ रहा है, जो उसकी बैठक थी वो कम बैठी थी, तो उसका डिफरेंस अब दिखना चालू हो गया कि आपके एक लिमिट में आ गई। एक चीज़ और मैंने बोली थी कि इम्पोर्टेड लहसुन जहाँ ऑल ओवर लहसुन 30% कम हुआ है चाइना में, खासकर जो हमारे वर्ल्ड को पूरा लहसुन सप्लाई सबसे ज़्यादा उसकी है, वहाँ 30% फसल डैमेज हुई है, उसका इफेक्ट भी पड़ेगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से इंक्वायरियाँ इस बार बहुत चालू हुई हैं। जो दुबई में फेयर लगा था तो उसमें बहुत इंक्वायरियाँ हुई हैं इंडियन गार्लिक की, डिहाइड्रेटेड गार्लिक की, गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, याद होगा मैंने पीछे बताया था गार्लिक फ्लेक्स 90-95 का भाव है, सिर्फ 10 दिन के अंदर वो 120 रुपये हो गया। अब वो जो 120 रुपये का रेट है गार्लिक फ्लेक्स का, वो आगे आने वाले पोजीशन में 140-150 तक जम करेगा ही करेगा, उसमें 30-40 रुपये किलो की प्लस आएगा। क्यों? चाइना का जो गार्लिक फ्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा जंप मार गया है। अब सबका ध्यान हमारे इंडियन गार्लिक फ्लेक्स पे है, गार्लिक पाउडर पे है, तो ये खुशखबरी है। मार्केट स्टैंड होने का एक बेस ये भी है कि डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री इस बार इस भाव में भी कूदेगी। दूसरा, हमारा रॉ गार्लिक हर साल 10% 15% के हिसाब से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है रॉ गार्लिक का। लोग रॉ गार्लिक किसको कहते हैं, ऐसे ही जो लहसुन है ये
इसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है 10-15%, उससे भी फर्क पड़ेगा जी। जो हर साल 10-15% बढ़ रहा है उसका भी इफेक्ट दिखेगा। लेकिन आपने कहा 10-15% बढ़ रहा है, हालांकि ये 2023-24 के अंदर हमने काफी लंबे समय के बाद में देखा, तकरीबन 17-18 के अंदर में हमने एक अच्छा एक्सपोर्ट होते हुए देखा था भारत से, और उसके बाद हमने 23-24 में देखा, तो बीच में जो एक्सपोर्ट की फिगर्स थी वो काफी डिप कर गई थी। पहली बार ऐसा था 17-18 के अंदर जब 47,000 मीट्रिक टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था, और उसके बाद में वापस से डिप करके 15,000-20,000 मीट्रिक टन पर देश का एक्सपोर्ट हुआ। अब क्या लगता है ये कंसिस्टेंसी, क्योंकि पहली बार 60,000 मीट्रिक टन के पार एक्सपोर्ट गया है, क्या ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, मेरा पहला सवाल। हालांकि आपने डिहाइड्रेशन की बात की यहां पर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इस समय पर देखने को मिल रही है, और इस समय पर जो गर्मी का जो प्रकोप है, मैं एक स्टडी कर रहा था और मार्केट टाइम्स टीवी ने एक फिर उसके बेस के ऊपर पे एक रिपोर्ट भी तैयार की कि यूरोपियंस जो हैं और इस समय पर जो यूरोप है वो कहीं ना कहीं ये जो हीट वेव्स हैं उसकी अब चपेट में आने लगा है, और ये लगातार गर्मी का जो प्रचलन है ये बढ़ने वाला है, और गर्मी इस बार रिकॉर्ड पड़ने वाली है, जिससे डिहाइड्रेशन के जो केसेस हैं वो निश्चित तौर के ऊपर बढ़ेंगे। तो क्या उसके अंदर में विकल्प लहसुन ही है, या अदर डिहाइड्रेशन के जो अदर विकल्प मौजूद हैं वो भी इसमें कारगर साबित होंगे, और लहसुन का उसमें अनुपात कितना होगा? सर, गर्मी बढ़ने से, जो गर्मी आपने कहा बढ़ेगी 101% इस बार गर्मी बहुत बढ़ने वाली है, एकदम आपने बढ़िया बात बोली, उस गर्मी से हमारे लोगों की फसलों पे फर्क पड़ेगा, फसलें बहुत डैमेज होने वाली हैं। अगर किसानों ने टाइम से इसको प्रिक्योर नहीं किया तो फसलें डैमेज होंगी ही होंगी। उस टाइम में जितनी फसल डैमेज होगी, देखिए जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं या डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री है या कोई पेस्ट की फैक्ट्री है, अचार की फैक्ट्री है, वो तो चाहेंगे लहसुन जितना मद्दा हो तभी उनका काम चलेगा। तो जब जब ये डैमेज होगा माल, तो वो लोग मैदान में आएंगे। हमारे को उस चीज से बचने के लिए पहले ही किसान को इसको संभालना चाहिए। लहसुन आगे जो ये रेट टिके हुए हैं, इससे लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ा नीचे आएगा, जो स्टॉकिस्ट थे और भी जो धंधा करने वाले थे उनको था कि ये थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि लहसुन उठापटक रहेगा इस साल। उसका रिजल्ट, उसका असर अभी से दिखना चालू हो गया कि लहसुन अभी भी वहीं पे स्टैंड है। इतनी आवकें होने के बावजूद लहसुन टूट नहीं रहा, लहसुन वही 70 रुपये नीचे, ऊपर में 120 रुपये घूम रहा। क्या ये माने, क्योंकि काफ़ी वीडियोस आपके भी मार्केट के अंदर चले जिसके अंदर में ये एक एडवाइस दी गई कि भाई लहसुन को एकदम से अचानक से मत लेकर के आइए मंडी में, रोक रोक करके लेकर के आइए। हालांकि अभी पीछे जो मार्केट टाइम्स टीवी के जो पत्रकार रिपोर्टर्स फील्ड के अंदर में हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट्स मार्केट टाइम्स टीवी के जरिए दर्शकों को दिखाई, उसके अंदर में भी ये साफ निकल करके आया कि लहसुन की जो अराइवल्स हैं वो टूटी हैं और किसानों ने उसको होल्ड करना शुरू किया है। अब यहाँ पर एक चीज जो हम ट्रेडिशनल व्यापार के अंदर देखते हैं कि जब भी कोई भी फसल की नई अराइवल्स आती हैं तो ट्रेडर इंतजार करता है कि प्राइसेस नीचे आए तब हम इसके अंदर वह हाथ डालेंगे। तो ये क्या माने कि ये जो अभी प्राइसेस चल रहे हैं, ट्रेडर यहाँ पर बाइंग से भी हिचकिचा रहा है कि भैया एक बार प्राइसेस नीचे आ जाएं उसके बाद देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कैमरा भी अगर जूम करके दिखाएं तो आपके यहाँ पे भी अराइवल्स इस समय पर कम है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो अराइवल्स हैं, क्योंकि जब पिछली बार आए थे तो आपके यहाँ पे लहसुन काफी भरा पड़ा था जी, और आज हम देख रहे हैं शायद उसका 20% भी नहीं है। जी, तो अब इसको किस नजरिए से देखा जाए, एक बात, क्या ये आंकलन लगाया जाए कि ये अब ट्रेडर वर्सेस फार्मर्स हो रहा है, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि फार्मर इंतजार कर रहा है कि यार थोड़े से अच्छे प्राइसेस हो, हम कम फसल बाजार में लेके जाएं, ट्रेडर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि देखते हैं किसान कितना लंबा इसको रोक सकता है, क्योंकि गर्मी पड़ेगी माल सूखेगा तो किसान को लाना ही पड़ेगा, तो क्या ये माना जाए कि ट्रेडर वर्सेस फार्मर? सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे इंटरव्यूज को लोग एक ना बहुत गलत दिशा में कई बार ले जाते हैं।
कि जी ये खुराना जी मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को, उनके कहने से किसान रुक गए, उनके कहने से तेजी आती है, उनके कहने से मंदा आता। तो सर आपके माध्यम से मैं सबको बता दूं कि खुराना या कोई भी हो, किसी का लेवल नहीं होता कि कोई एक आदमी पूरे हिंदुस्तान की मार्केट को घुमा दो, किसी की औकात नहीं है। ये सिर्फ गलतफहमी आप लोगों की है जो ये सोचते हैं। देखिए हम लोगों ने पहले से कैलकुलेशन ही नहीं किया कि हर साल मार्च तक पुराना लहसुन बिकता था, नया भी बिकता था, जनवरी में चालू हो जाता था और मार्च में पुराना, मार्च तक पुराना भी बिकता था। इस बार पुराना लहसुन दिसंबर में ख़त्म हो गया, तो तीन महीने जो फसल निकली भाव था 250, 200, 300 रुपये, 500 तक भी, 500 नहीं किया जी, परचून में 500 क्या होगा, रिटेल, रिटेल के अंदर में 500 और कलकत्ता में 1000 रुपये भी भाव, रिटेल में, रिटेल वालों के लिए तो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट को आईडीज बांटनी चाहिए इन लोगों को, जो थोक मार्केट 300, 325 तक बिकी। अब ये बताएं कि किसान का इस भाव में जिंदगी में नहीं बिका, उनका बिकला हो तो उन्होंने खूब निकाला। अब इतना माल निकल गया कि जो हर साल माल इकट्ठा माल निकलते था वो वाला माल इतना है ही नहीं, प्रोडक्शन कम हुई, जो रकबा कम बैठा, तो अब किसान पे एक लेवल में मार है। दूसरे एक पॉइंट आपने बोला कि जो हिचक रहे हैं इस टाइम ट्रेडर जो स्टॉक के लिए हिचक रहे हैं, क्या इस रेट में स्टॉक कहना चाहिए कि नहीं? 101% आप लोगों को घुसना चाहिए इस भाव में। आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि कोई लहसुन 40, 50, 60 में होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा। लहसुन भाई साहब आप लोग सब खिलाड़ी लोग हैं, कोई मैं तो यहाँ बैठ के रिपोर्टिंग करता हूँ, आप लोग तो डायरेक्ट फार्मर्स के घरों में जाके आप लोगों को पता है क्या माहौल है। तो आप ये बताएं माल है कहाँ इतना, जितना कोई हम सोचें कि इतना आ जाएगा कि लहसुन 30, 40, 50 रुपये हो जाएगा, वो तो नहीं होता। लहसुन 60 रुपये, 70 रुपये से लेके अगर 100 रुपये में अपने को मिलता है स्टॉक का, हमारे को इसमें घुसना चाहिए। आगे लहसुन ने जंप मारना ही मारना है, लेकिन आप सोचें कि बहुत ज़्यादा टूट जाए, कब तक जंप आएगा? क्योंकि जो इस समय हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कितने दिनों में तेजी वापसी करेगी, 10 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, कब तक? सर एक्चुअल में क्या है, मेरे लिए ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नहीं तो फिर ये कहेंगे सब कि खुदाना ने रुकवा दिया माल। फिर भी एक एस्टिमेटेड, एक एज एनालिस्ट, एक विशेषज्ञ के तौर, जैसे ही लहसुन सूखेगा ना, सूखते ही सब बैठे हैं कि माल लेना। कल मेरे पे एक पान वाला आया कि जी मेरे को माल लेना है, 2 लाख रुपये ले लो, मैं मेरे को माल दिलवा दो। तो आप समझ लें कि अगर एक पान वाला भी इसमें इंटरेस्टेड हो रहा है तो जो ऑलरेडी इसके लाइन में है, जो कई सालों से इसमें लगे हुए हैं, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो वेट कर रहे हैं माल सूखने की, कि लहसुन सूखे और हम लें। क्यों, सबको पता है कि मार्केट आगे बढ़नी बढ़नी है, वर्ल्ड लेवल पे लहसुन कम है, इसका डिफरेंस आएगा ही आएगा। अब सिर्फ कमी एक है जो मैं खटकता हूँ लोगों को, ओपन बोल रहा हूँ, क्योंकि खटकता हूँ, ये तो बैठे हैं ना बचाने वाले, दिखा दो जी कौन बैठे हैं, आप अकेले नहीं देखो, सबको दिखाओ। प्रभुदाम सिर्फ खटका मैं ये कि जो चीज़ व्यापारियों को पता थी, जो चीज़ स्टॉकिस्ट को पता थी, वो चीज़ मैंने किसानों को बता दी एडवांस में। नहीं, अब सवाल ये उठता है, आपने बता दिया कि ठीक है धीरे धीरे माल लाना चाहिए, रोकना चाहिए किसानों को, लेकिन किसानों की एक कैपेसिटी है रोकने की, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि उनके पास में वो सोर्सेज अवेलेबल नहीं है जहाँ पर वो सामान को अपने को रख सकें। लहसुन एक पेरिशेबल आइटम है, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा हीट पड़ेगी, सड़ जाएगा। थोड़ी सी शेल्फ लाइफ हम इसकी ज़रूर समझते हैं, लेकिन उसकी उस माल को रोकने की एक कैपेसिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रोक लेगा, 1.5 महीना रोक लेगा, और ठीक है, और इतना भी इसको रोकना
अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि क्योंकि जब ये सूखेगा तो सूखने के बाद में जब ये थोथा हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाएगा, तो इसका खामियाजा भी उन्हीं किसानों को भुगतना पड़ेगा। तो क्या कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था किसान अफोर्ड कर पाएंगे? एक सवाल, अगर किसान कोल्ड स्टोरेज में अपना माल रखना लगाने लग जाता है तो हो सकता है कि वो अपने माल को स्टॉक कर ले, उसके बाद उसको ये प्राइसेस अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। क्या वो बेनिफिट में रहेगा या नहीं रहेगा, ये मेरा तीसरा सवाल। सर देखिए, हम पहले पे आ जाते हैं कि क्या किसान इसको अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखिए, पहली बात, मैंने किसान को रोका ही नहीं लहसुन बेचने के लिए। मैंने कहा था आराम आराम से निकालो, और जितना भी किसान है, मैं आपको बता दूं, आपकी भी टीम प्रोडक्शन मार्केट में घूम रही है, अगर किसान ने लहसुन रोका होता तो ये 2-2 लाख कट्टा, 1.5-1.5 लाख कट्टा, 1-1 लाख कट्टा आ रहा है, कहाँ से आता? कोई भी किसान लहसुन नहीं रोक रहा, सिर्फ तरीके से बेच रहा है। जो एकदम घबरा के मार्केट में फेंक देता था, अब वो फेंक नहीं रहा, वो उसको पता चल गया माहौल क्या है, या एक प्लेटफॉर्म पे वो देखता है, सोशल मीडिया खोलता है, यूट्यूब खोलता है, उसमें देख लिया जी आज मनचंदा साहब के इंटरव्यू में क्या आया, आज राणा जी के इंटरव्यू में क्या क्या आया, या मनीष नागर के, या मनीष धाकड़ के, या हमारे शिवराज जी पिपलिया वाले, तो ऐसे कई यूट्यूब हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल्स में वो लोग रिपोर्ट देते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या आज माहौल है। सिर्फ किसान जागरूक हुआ, जो कि सब चाहते थे कि हम भी, आप भी यही चाहते होंगे कि एक आदमी जो धूप में, कड़ी धूप में या कड़ी ठंड में मेहनत करके फसल उगाए, उसको इतना भाव तो मिले कि 5-6 रुपये किलो ना बेचना पड़े। बिल्कुल ठीक है। 5-6 रुपये किलो भी हमने देखा 2 साल पहले कि वो कस्में खा रहे थे, लहसुन को उगाएंगे नहीं, नदियों में फेंक रहे थे और लहसुन जला रहे थे। उस टाइम में मैंने बहुत वीडियो शेयर की थी। अब ये भाव ऐसा है सर, इतना तो इस फसल को भाव मिलना चाहिए, इससे कम होता है तो इसको नुकसान है किसान को। जैसे ही इसका भाव 40-60 आता है, किसान हमेशा लॉस में जाएगा। 60-50 से लेके 100 के भाव में हमेशा उसको 2 पैसे मिलेंगे। करोड़पति नहीं बनने वाला इस भाव में कोई किसान, लेकिन उसको 2 रोटी मिल जाएगी। लेकिन हमने तो ऐसी स्टोरीज भी देखी हैं कि किसानों ने इस बार जो लहसुन लगाया उसमें वो करोड़पति भी बने हैं। बने हैं सर, लेकिन वो जब 200-300 का भाव हुआ, मैं कह रहा हूँ 50-100 के भाव में कोई किसान करोड़पति नहीं बनने वाला। उसके सिर्फ ये है, उसकी लागत निकल जाएगी, उसको थोड़ा बहुत पैसा इतना मिल जाएगा कि कोई बेचारा अपनी बच्ची की शादी कर लेगा, कोई अपने बच्चे को पढ़ा लेगा, भाई इतना ही होना, उसके खर्चे इज्जत से पूरे हो गए, बस पहली चीज। अब दूसरी चीज आती है कि वो रुक गया, रुका नहीं है सर। किसान आधा माल धीरे धीरे करके अभी निकाल रहा है, आधा माल वो अपनी मर्जी से, मेरे कहने से नहीं, वो अपनी मर्जी से रोक रहा है कि थोड़ा रुक रुक के बेचूंगा, पूरा साल बढ़ा। इनको समझ आ गया कि पूरा साल बिकता है। बिकता तो पूरा साल है, लेकिन वो रखे कहाँ पूरा साल? मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये तो एमपी और राजस्थान वाले तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, नॉलेज ज़्यादा है, उनका माल पूरा साल वो स्टॉक भी करते हैं। किन के साथ दिक्कत होती थी? हिमाचल, हिमाचल वाले किसान, उनको लगता था कि 2 महीने या 3 महीने की गेम माल बेच दो, उनका माल बड़े लोग लेके पूरा साल गेम खेलते थे, ये सब हिमाचल वालों को पता है। ऐसे ही श्रीनगर कश्मीर की होती थी, कश्मीर के किसानों ने जिंदगी में 16 रुपये से लेके 30 रुपये से ऊपर कभी लहसुन ही नहीं बेचा, भले हिंदुस्तान में लहसुन 100 का हो, 200 का हो, 300 का हो या 50 का, उनका जिंदगी भर लहसुन 16 से 30 बिका। कश्मीर के किसान भाई जो भी देखे होंगे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट पे जरूर बताना कि ये बात है कि नहीं। सिर्फ पिछला साल था जब मैंने उनको मौके पे बोला था कि भाई ये भाव नहीं है, इन भाव बिक रहे तो रोको, तो उन्होंने रोका, उनका लहसुन 90-100 तक बिका, और वो दुआएं दी उन्होंने। उनको लगता था कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है, वो तो उठा के साइड डाल देते हिंदुस्तान को, लेकिन जब इनको समझ आई तो मानते हैं कि नहीं, हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, लोग हमारे लिए बोलते हैं। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, तो अब मैंने कश्मीर की बात बोली क्यों, वहाँ पे उनके साथ अन्याय होता था।
अब ये दो राज्य, इनको तो लगता था कि दो तीन महीने का गेम है, जैसे मटर निकालते थे बेच दो, टमाटर निकाला बेच दो, गोभी निकली बेच दो, लहसुन ऐसा नहीं है सर। लहसुन सूखने के बाद इसको जो इधर का माल है MP, राजस्थान, UP, इस इलाकों के माल है गुजरात, इनको कोल्ड स्टोर की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल अपने हवादार कमरों में भी माल रखते हैं, शुरू से रखते आए हैं, क्योंकि किसान बुग्गे समेत रखता है, बुग्गा मतलब घास समेत। तो जब घास समेत लहसुन पड़ा है, गड्ढर पे गड्ढर रखे हुए हैं, तो उसमें इतनी टेंशन नहीं है, सिर्फ हवादार कमरा चाहिए। और जब ये कट्टों में पड़ा रहता है, तब इसके लिए उसकी वो चाहिए तरीका रखने का, जैसे ये मैंने फट्टे पे रखा हुआ माल, ये दिखाएं आप पैडल के ऊपर पैडल्स हैं कि इसकी नीचे से गैस निकलती जाएगी, तो वो ऐसे स्टॉक करते हैं। वो देखिए वहाँ पे वो धाग, उधर देखिए पीछे, हाँ वो जो रखा हुआ है ऐसे वो स्टॉक करते हैं। लेकिन जो हम इधर की बात करें, हिमाचल और कश्मीर, इन मालों को, ये माल का बीज अलग है, इन मालों के लिए कोल्ड स्टोर की जरूरत है। लेकिन किसानों का दुर्भाग्य क्या है, वो बेचारे उगाना जानते हैं, कोई भी उनको गाइड करने वाला नहीं है कि इसको स्टॉक कैसे किया जाए, और ना कोई चाहता है इनको कोई गाइड करे, और कोई गाइड कहने आता है तो उसके लिए कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है, जैसे मेरे लिए हुई पड़ी है। मैंने पिछले साल ही बोल दिया था हिमाचल के किसान भाइयों को और श्रीनगर के किसान भाइयों को, कोई 50 कट्टे वाला भी किसान है और उसको अपना माल रखना है, अपना माल अगर मद्दा बिक रहा नहीं बेचना, तो स्टोर दिल्ली में करवा देंगे, आप दिल्ली आइए, आपका माल कोल्ड स्टोर में रखवा देंगे। उसके लिए हमने तैयारी कर ली, कोल्ड स्टोर वालों से बात हो गई हमारी, आपका जब भी माल आएगा आपका माल हिफाजत से स्टोरों में आपके ही नाम से रखा जाएगा, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मेरा इन्वॉल्वमेंट यही है इतना कि जो चैम्बर बड़ा 5,000 कट्टे वाला है, हम उसमें 50 कट्टे वाले को भी एंट्री दे दें, हम उसमें 10 कट्टे वाले को भी एंट्री दे दें, सिर्फ मेरा लेवल इतना है, आप फैसिलिटेट कर देंगे, राइट। अब इसमें मेरा सवाल यह उठता है, अगर मैं आज के ट्रेंड की बात करता हूँ, आज अगर देसी लहसुन की बात करें, तो आज यहाँ दिल्ली की आजादपुर मंडी में क्या रेट हम मान करके चले? ये भोला माल का, ये मोटा माल है जी, ब्रांड नेम है भोला जी, तो ये हमने बेचा है, जो हम पहले 110-115 बेच रहे थे, आज ये 120 का भाव है, 120-125 व्यापारी बोल रहे हैं, और ये उससे छोटा है, ये माल का, ये माल 110 रुपये, उसके बाद आया था 90, फिर आ गया 80, मतलब कि 60 रुपये से लेके न्यूनतम भाव 6,000 रुपये, उससे लेके ऊपर में 120-130 रुपये, 20-25 है देसी माल। और जो ऊटी का बीज है, राजस्थान का छिपा बड़ोद के माल है, वो नीचे में चल रहे हैं जी 70 रुपये, ऊपर में चल रहे हैं 140 रुपये, ऊपर में 140 रुपये जा रहा है ऊटी, और नीचे में जा रहा है 70 रुपये। अच्छा, अभी अगले 10 दिन के अंदर में ये भाव आप कहाँ पर देखते हो? सर 10 दिन में ये 2-4-5 ऊपर नीचे होगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं आएगा, जब तक स्टॉकिस्ट मैदान में नहीं आता। ऊपर नीचे का मतलब मैं समझूं कि इसी दायरे में रहेगा, बहुत ज्यादा तेजी नहीं माननी चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी ना एक्सपेक्ट करें, और बहुत ज्यादा को निकालना चाहिए इस भाव में। 80 से 120 का भाव आपको अगर मिलता है आपकी फसल का, बहुत बढ़िया रेट है, इसमें अपना आधा माल जरूर निकालो, आगे रोकना नहीं रोकना आपके ऊपर निर्भर है। मैं बता दूं, आज जो नीमच की मंडी है, नीमच की मंडी के अंदर जो देसी माल है वो नीचे में 6,000 रुपये और ऊपर में 10,500 रुपये बिका है, और ऊटी में आज थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, ऊटी 12,000 रुपये ऊपर में देखने को मिला है, नीचे में 8,000 रुपये का भाव है। तो ये जो प्राइजेज हैं, इन प्राइजेज के बीच के अंदर में आप कह रहे हैं कि किसानों को निकालना चाहिए, और अगर निकालना चाहिए तो एक साथ ही निकाल दें या रुक रुक करके निकालें? बिल्कुल रुक रुक के निकालो आप, एक साथ तो निकालना ही नहीं हमने, एक साथ निकालोगे तो ये भाव फिर टूटेगा, फिर उसके बाद 2 महीने बाद ऐसा जंप मारेगा कि विदेशों से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। भाई साहब कोई भी फसल देखो, मैं हर बार एक ही, मेरा कम से कम
सात साल पहले आपको मैंने इंटरव्यू दिया था, तब भी यही नारा था कि उगाओ किसान की तरह, बेचो व्यापारी की तरह। तो वही चीज मैं आज से, तब भी यही बोलता था, आज भी मैं यही बोलता हूँ, आप बोइए किसान की तरह लेकिन बेचिए व्यापारी की तरह। अभी एक्सपोर्ट के क्या डाटा कुछ है आपके पास में कि क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल एक्सपोर्ट होगा भाई साहब, बहुत इंक्वायरी है। हालांकि हम एक्सपोर्ट नहीं करते, छोटा सा आदमी हूँ, ये तो आप लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया इंटरव्यू दे दे के, लेकिन एक्सपोर्ट वालों को डिमांड्स आ रही हैं, इंक्वायरियाँ आ रही हैं, उनको इंक्वायरियाँ आ रही हैं जी, और एक्सपोर्ट इस बार होगा, अच्छे लेवल पे होगा जी। अभी जो सिनेरियोज इस समय पर हम देख रहे हैं, उन सिनेरियोज की अगर हम बात करें तो टोटल सॉरी लहसुन की जो सुगंध है, ठीक है, इसको सुगंध ही कहेंगे हम, ठीक है जी, हाँ सुगंध ही है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल इस सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, तो ओवरऑल सिनेरियोज के बीच के अंदर में ये जो पूरे साल का जो ट्रेंड रहने वाला है, वो पूरे साल का ट्रेंड अगर मैं देखूं, हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि एक साल को पूरे को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, चंक्स के अंदर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 10 दिन का मैंने आपसे पूछा, आपने कहा इसी दायरे के अंदर में रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड्स हो सकता है कि इस बार अच्छी निकल जाए, क्योंकि जो हीट वेव्स हैं उससे थोड़ा सा एक बूस्ट मिल सकता है। प्रोडक्शन के फिगर्स के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इस बार प्रोडक्शन क्या रहता है। श्रीलंका ने भी अपने स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स खोल दी हैं, अभी वो बैन थे, वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वो एक्सपोर्ट कर पाए, लेकिन श्रीलंका ने अपने पुनः एक्सपोर्ट्स को खोल दिया है, पूरा स्पाइसेस मार्केट उन्होंने ओपन कर दिया है फिर से एक बार। उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हो? 101% आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। जो भी लोग नजायज तेजी में बैठे हैं, हम कोई सोच रहे हैं, ग्रुप्स में आते रहते हैं, 400 हो जाएगा लहसुन, 600 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, मैं पहले बता दूं भाई साहब, इस बार अगर हम किसी एक नजायज रेट की तरफ गए तो आप ध्यान रखना ऑल ओवर वर्ल्ड से इंपोर्ट भी हो सकता है। इस बात को सोच के व्यापार करें कि अगर हम कोई एक, देखो एक हर चीज़ की सीमा है, हम उस सीमा से बाहर गए, तो ये सोच के चलना, पहले आंकड़े लगा लेना, कैलकुलेशंस कर लेना कि वर्ल्ड में क्या रेट चल रहा है, स्पेन, इजिप्ट, अपना अफगानिस्तान, जितने भी कंट्रीज हैं, चाइना, तो यहाँ क्या रेट चल रहा है लहसुन, जो पिछले साल इंडिया में माल जहाँ जहाँ से आया था वहाँ की कैलकुलेशंस कर लेना। उसके बाद कोई कैलकुलेशन अपने दिमाग में, एक माइंडसेट हर कोई कहता है कि भाई मेरी ये चीज़ है कि मेरा ये ब्लूटूथ है, मेरे को पता है 1000 रुपये का, तो मेरे को पता है कि मैं आज लहसुन ले रहा हूँ 100 रुपये का, तो मेरे को एक माइंडसेट है कि 200 होगा तो बेचूंगा, 250 होगा तो बेचूंगा। तो ये माइंडसेट उस हिसाब से कैलकुलेट करना कि पहले ऑल ओवर वर्ल्ड के रेट्स देख लेना क्या रेट में सौदे हो रहे हैं। इंडिया में मैं बता दूँ आपको, आपके जानकारी के लिए, कि लहसुन अगर 250-300 पे जाता है तो इम्पोर्ट भी होगा, ये दिमाग में रखिएगा, आपको एक मोटा मोटी एक अंदाजा दे रहा हूँ। देखिए जो आपने चाइना की बात की, चाइना का लहसुन अभी भी पिछले साल भी 23-24 की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म ही होने वाला है, इसमें भी विश्व के अंदर में सबसे जो लोएस्ट प्राइस था वो चाइना का ही था। चाइना जहाँ पे $560-570 पर टन के हिसाब से माल निकाल रहा था, आपका लहसुन $2000 पर टन के हिसाब से बिक रहा था। इसको किस नज़र से देखा जाए? सर देखिए, पिछले साल भी इंडियन मार्केट जो जंप हुई, हालांकि समग्र लोगों के बहुत चाइना का लहसुन आया, जिस पे गवर्नमेंट ने भी कार्रवाई की जब जब पकड़ा गया, अगर गवर्नमेंट ने इंडियन गार्लिक अगर ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा जंप मारेगा, तो ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट इंपोर्ट खोल देगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसके यहाँ उसकी जो इकोनॉमी है वो कहीं भी गलत उस दिशा में जाए। वो दोनों हमेशा होना भी चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। तो सर आप 500-600 के रेट को, 400 के रेटों को दिमाग से निकाल देना,
चाइना गार्लिक आज की तारीख में भी जो नई फसल आई है 30% कम होने के बाद भी एक अच्छे मतलब अट्रैक्टिव रेट पे इंडिया में बिक सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट खोल दे तो। तो इसलिए असल में तेजी है लेकिन एक नाजायज तेजी पे ध्यान रखना कि उस पर कहीं भी इंपोर्ट अटैक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर। तो आप सुन रहे थे जितेंद्र खुराना जी को, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मार्केट टाइम्स टीवी को ये पूरी जानकारी दी और दर्शकों के साथ ये बातचीत साझा की। हमारे को तो खुशी होती है, मैंने आपका वो रूप भी देखा है जहाँ टाई या कोट वोट पहन के आप ऑफिस में इंटरव्यू देते थे, आज खुद मैदान में आप, तो बहुत खुशी होती है कि आप जैसे इतने मंझे हुए खिलाड़ी अब नीचे आ गए उतर के अपने ऑफिस से और मैदान में घूम घूम के इंटरव्यू ले रहे हैं। तो साहब ये बहुत फायदे की बात है दोनों लोगों के लिए, जनता के लिए जो कंज्यूमर है और जो सेलर है, ये आप ध्यान रखना, ये मामूली बात नहीं है। अगर सुरेश मनचंदा जी जैसे लोग मैदान में हैं तो आप समझे कि एक क्रांति है बहुत बड़ी सोशल मीडिया की, इसको मामूली नहीं लीजिएगा। ये हमारी कोशिश है जितेंद्र जी कि हम जो ग्राउंड रियलिटी है ग्राउंड जीरो पर उतर करके जो पूरे देखिए इस बार जो अभी पीछे हम वर्किंग कर रहे थे उसको अभी यहाँ पर हम पूरे विश्व की बाजार के साथ इसको जोड़ने की कोशिश में है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको जो हमारा पत्रकार है जो इजिप्ट में भी बैठा है, जो इस समय पर चाइना में भी बैठा है और जो देश की भी सभी मंडियों के अंदर बैठा है, ताजा जानकारी सभी व्यूअर्स के पास में रियल टाइम के साथ में पहुंचे और ग्राउंड जीरो की जो हकीकत है वो हम हमारे दर्शकों के साथ में साझा करें। इसीलिए मार्केट टाइम्स टीवी जो है मैदान पे है और आप जैसे जो जितने भी एनालिस्ट हैं, बाजार के जो जानकार हैं और जो मंझे हुए और जिन्होंने बड़े ग्रास रूट से इस कारोबार को नजदीक से देखा है और एक पैनी निगाह रखते हैं, उनके पास पहुंच करके एक हकीकत जो है वो हम सभी के सामने में लेकर के आए, यही मार्केट टाइम्स टीवी का उद्देश्य भी है। और हमारी जो टैगलाइन है मुनाफे की खबर, तभी मुनाफा हो पाएगा, सभी दर्शकों का मुनाफा इसमें जरूरी है, सभी के पास में एक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो जितेंद्र खुराना जी को आप सुन रहे थे जिन्होंने पूरी विस्तार के साथ में बड़ी महत्वपूर्ण दो तीन बातें बताई, मैं उसका आंकलन कर देता हूं और समअप कर देता हूं। पहली, एक साथ माल नहीं निकालना है, धीरे धीरे करके आप माल को निकाल सकते हो, भाव बड़े अट्रैक्टिव है, इन भावों के ऊपर पे माल निकाला जा सकता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि इस बार 400 रुपये या 300 रुपये की एक्सपेक्टेशन शायद नहीं करनी चाहिए, अगर ये दौर दोबारा आता है तो हो सकता है कि सरकार आयात को खोल दे और इससे भावों के अंदर में एक शार्प डिक्लाइन, एक भारी गिरावट देखने को मिले, तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। साथ ही जितेंद्र जी ने जैसा कि जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए और हिमाचल के किसानों के लिए, यानी कि मैं अगर पहाड़ी इलाकों के किसानों की अगर मैं बात करता हूं जहां पर लहसुन ठीक ठाक क्वालिटी के अंदर और अच्छी क्वालिटी का बोया जाता है, उनके लिए जो वेयर हाउस की इन्होंने बात की वो एक महत्वपूर्ण बात है। अगर वहां तक मार्केट टाइम्स टीवी अपनी बात पहुंचा पा रहा है और जो वहां के दर्शक हैं वो अगर इस बात को सुन पा रहे हैं तो उनके लिए यहां दिल्ली के जो दरवाजे हैं, जो वेयर हाउसेज हैं वो खुले हुए हैं, चाहे वो 50 क्विंटल 50 बोरी बैग लेकर के आए, चाहे 10 बोरी का बैग यहाँ पर कोल्ड स्टोर के अंदर में रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।